हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया देन गुड। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? जल्दी से जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ। आज हम करेंगे ब्राउन न्यूड मेकअप लुक, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम करेंगे CTM। मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम का टोनर। फेस मैंने वॉश कर लिया है। मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ द बॉडी शॉप का। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे पोन्स की ये मॉइस्चराइज़र। आपको पता ही है मुझे मॉइस्चराइज़र कितना पसंद है, क्योंकि जेल बेस मॉइस्चराइज़र एंड जेल बेस मॉइस्चराइज़र हमारी ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब मैं अप्लाई करूँगी लिप बाम। लिप बाम मैं यूज़ करती हूँ लिनेज की लिप बाम, बहुत अच्छी लिप बाम है। इसको यूज़ करने से आपकी जो लिप्स की पिगमेंटेशन है वो भी बहुत कम हो जाती है। अब हम अप्लाई करेंगे प्राइमर। प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आज लोरियल का बेस मैजिक ट्रांसफॉर्मिंग स्मूथ प्राइमर। ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्राइमर है, इसको ज़्यादा अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये थोड़ा अप्लाई करने से ही आपके पूरे फेस पे ब्लेंड हो जाएगा एंड स्मूथ बना देगा आपके फेस को और पोर्स भी मिनिमाइज कर देगा। अपने टी जोन पे ज़्यादा फोकस रखिए, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा एक्सेस में ऑयल आता है। अब हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये NYBIC का फाउंडेशन। ये मेरी शेड वाला फाउंडेशन है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता मेरी स्किन पे, इसलिए मुझे ये फाउंडेशन बहुत पसंद है। ये आपको इजीली अवेलेबल है purple.com पे। मैं उसके बाद यूज़ करूँगी एक फ्लैट टॉप ब्रश और उस पर मैं स्प्रे कर लूँगी हमारा सेटिंग स्प्रे, क्योंकि आज मैं मेकअप कर रही हूँ, बाहर जाना है मुझे इसीलिए। तो मुझे अपना जो बेस है वो थोड़ा वाटरप्रूफ चाहिए, तो मैंने इसलिए आज अप्लाई की है। आप चाहें तो टोनर भी लगा सकते हैं। अब मैं अप्लाई करूँगी स्विस ब्यूटी का प्राइमर इन द शेड 02। और एक ब्यूटी डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो ब्रश भी ले सकते हैं, बट मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ मैं ब्यूटी ब्लेंडर में। और इसे डैब डैब करके लगाना है। अब देख सकते हैं इसने मेरी आईज़ को कितना ज़्यादा ब्राइटन अप कर लिया, डिफरेंस देख सकते हैं। इसलिए हम हमारे फेस पे कंसीलर लगाते हैं टू हाइड आवर डार्क सर्कल्स। अगर आपको कोई स्पॉट्स हैं तो आप उस पे भी अपना ये लगा सकते हैं कंसीलर, उसे हाइड कर देगा।
अगर हल्की फुल्की पिगमेंटेशन है तो आप वहाँ भी लगा लीजिए, डार्क पैचेस हैं, डार्क स्पॉट्स हैं उस पर भी लगा लीजिए। अब मैं कंसीलर देख सकते हैं आप। अब मैं अप्लाई करूंगी ब्लश। मैं ब्लश यूज़ करूंगी, ब्लश के लिए मैं यूज़ करूंगी कलर बार मेबलिन का कलर जोल्ट मैट लिप पेंट, और मैं एक डॉट लगाऊंगी इसकी बिल्कुल हल्का सा। इसे लगाने के बाद अब हम हल्के हाथों से ब्लेंड कर लेंगे। देख सकते हैं आप सब मैंने कितनी अच्छे से ब्लेंड किया। अब हम अप्लाई करेंगे लूज पाउडर। लूज पाउडर मेरा फेवरेट शुगर का यूज़ कर रही हूँ मैं विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लफी ब्रश, और हमेशा एक्सेस को रिमूव करके लेना। अब मैं अप्लाई करूँगी हाइलाइटर विद द हेल्प ऑफ फैन ब्रश। अब हम लगाएंगे आई शेडो। आई शेडो के लिए मैं यूज़ करूँगी आज ये हुडा ब्यूटी की आई शेडो। ये मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर से मंगाया था। मैं लूँगी एक फ्लफी ब्रश। फ्लफी ब्रश के साथ मैं ये शेड कोको शेड अप्लाई करूँगी जो बिल्कुल ख़त्म हो गया शेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही अच्छा शेड है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये, एंड ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है गाइस। आई शेडो पैलेट बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती हैं। अगर आप चाहो तो इसको बिल्ड कर सकते हैं जितना आपको न्यूड चाहिए। देख सकते हैं आप। मैं अप्लाई करूंगी फॉल्स लैशेस। मैं यूज़ करूंगी
ये फॉल्स लैशेस ये मैंने शीन से मंगाए थे, अब तो बंद हो गई है, तो ये मेरे पहले की है, तो मैं अब तो चाइनीज़ चीज़ें रिकमेंड नहीं करूँगी आपको। बट अगर आप चाहते हैं तो आप नाइका की भी ट्राई कर सकते हैं, 6D आई लैशेज़ भी ट्राई कर सकते हैं, और आप पैक की लैशेज़ भी ट्राई कर सकते हैं, मैं ये यूज़ करूँगी। देख सकते हैं मैंने लैशेज़ लगानी है, अब मैं यूज़ करूँगी आईब्रो पेंसिल, ये है ड्यूड हाउस की ड्रॉइंग आईब्रो इन द शेड ब्लैक। देख सकते हैं विजिबल डिफरेंस आईब्रो फिल करके, हम जो आगे की आईब्रो होती है ना उसको बिल्कुल लाइट हाथों से फिल करते हैं, ताकि जो अच्छे से फिल हो जाए, ज़्यादा ओवर ना लगे, इसलिए हम लाइट हैंड से इसको फिल करते हैं। अब मैं स्पूल की हेल्प से इसको स्प्रेड कर लूँगी अपनी आईब्रो में, जो एक्सेस होगा वो सारा स्प्रेड हो जाएगा। अब मैंने मस्कारा यूज़ किया था, मैंने ये टू फेस्ड का ग्रीन वेरिएंट मस्कारा यूज़ किया है, अब मैं अप्लाई करूँगी हमारा लास्ट में सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे के लिए मैं मेबलिन का सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। और थोड़ा हमारे डैम ब्यूटी ब्लेंडर पे भी लगा लूँगी मैं, उसके बाद अच्छे से अपने पूरे फेस पे इसको एट लास्ट मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैं वही मेबलिन की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ जो मैंने अपने चीक्स पे लगाई थी एज अ ब्लश। ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है, देख सकते हैं आप सब। मैं आपको एक दो आइडियाज बता सकती हूँ कि आप लिपस्टिक अगर चाहें तो कौन सी वो यूज कर सकती हैं। एक नायका की ये लिपस्टिक जो है वो बहुत अच्छी है, न्यू लिपस्टिक है 05 मद्रास कॉपी, एंड एक मेरे पास है न्यूड में एन बाई बे की लिपस्टिक, ये भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है अगर आप न्यूड चाहते हैं तो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को कीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं आपकी मैं आगे किस चीज़ पे वीडियो बनाएँ। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड इफ़ यू सब्सक्राइब देन इट मीन्स अ लॉट टू मी। अगर आप मेरी वीडियो